सबसे पहले थैंक यू, आप लोग सब आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। मेरा दिन बहुत शानदार रहा। मैं सुबह उठकर ऑब्वियसली सबसे पहले हमें सिखाया गया होता है कि जिस दिन बर्थडे होती है उस दिन मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेने होते हैं। सो फर्स्ट मेरे पेरेंट्स का और फिर उसके बाद आई वेंट टू अग्यारी, जो पारसी लोगों का हमारा होता है, वो वहाँ पर आशीर्वाद लिए और फिर मैं अपने आप को एक गिफ्ट अपने आप के लिए गिफ्ट लेके आया और वो अपने आप को मैंने गिफ्ट किया और उस पर थोड़ा वक्त बिताया। वो मेरी मोटरसाइकिल है और वो आई थिंक हर बर्थडे पर एक एक से बढ़कर एक मोटरसाइकिल मैं लेता रहूँ, ऐसी मेरी विशेज है। बट यस, आई डिड दैट एंड शाम को जैसे सब दोस्त आए हुए हैं तो उनके साथ मिल बांट कर खाना खाना और बस सेलिब्रेट करना, यही दिन है पूरा। फैंस के लिए यही कि थैंक यू सो मच गाइस, जो अब तक आपने सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है। और जब हम पर्दे पर होते हैं तो हम आपको देख नहीं सकते, बट जब हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो सब जो देखते हैं हमें और जो नीचे कमेंट्स लिखते हैं वो हम सब सारी पढ़ते हैं, और कम से कम मैं तो पढ़ता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा मेरा काम की सराहना करता है या फिर मेरी मुझे बोलता है कि सर मुझे आप बहुत पसंद हो या मैं आपका फ़ैन हूँ। तो ये जो सपोर्ट और जो प्यार देते रहते हैं वो हमें पूरे साल मेहनत करने का जुस्सा देता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैंस ने विशेज़ दिए हैं मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये मानता हूँ। और आप सबको इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबकी जो विशेज़ है, आप जो मन में अगर दो सेकंड भी मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उस सब का असर हो रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच। जी बहुत सारे, इनफैक्ट मेरा एड्रेस मुझे नहीं लगता कि कहीं पर मिल जाएगा, बट कई सारे ऐसे फैंस थे जिन्होंने गुलदस्ते भेजे और एक आई थिंक एक फ़ैन है मेरी पुणे की जो मुझे हमेशा और बहुत प्यारी है और हमेशा लिखती है, तो उन्होंने किसी ने कविता लिखी और किसी ने गुलदस्ता भेजा, किसी ने लेटर लिखा, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई आप मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे बर्थडे पर इतना कुछ कर सकता है। उन्होंने मुझे बर्थडे बम दिया रात को आते वही, अभी तक स्कूल का जो तौर चल रहा था वो अभी तक चालू है। वो पाँव पकड़े, हाथ पकड़े और उछाल उछाल कर जो पिछवाड़े पर जो लात लगाई है वो हमेशा रहती है, हर साल रहती है और इस बार भी रही। ओके फ्रेडी सर, जैसे कि आपने कहा कि अभी केक कटिंग के टाइम पे कि पहले हम केक काटते थे और सारे फ्रेंड्स को पढ़ते थे, तो हाँ, ऐसी मेमोरी को शेयर करना चाहिए जो बहुत दिल के करीब। हाँ, मैं इनफैक्ट मैं अपनी बर्थडे पर तो छोड़ो, अपनी बर्थडे पर मेरे जो हम लोग बच्चे थे तब मेरी केक पर मेरा सबसे पहला वो प्रहार रहता था जो केक काटने वाला। बट मुझे याद है दूसरे किसी भी दोस्त की बर्थडे पर जाते तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहता था केक काटना, और दोस्त जब तक केक ना काटे तब तक उस केक के इर्द गिर्द घूमते रहना और केक को देखते रहना कौन सा फ्लेवर है वो सब करते थे, और एक बार कट जाए तो फिर वही जो मैंने कहा वो होता है कि अटैक वाला, जो आक्रमण वाला जो सिनेरियो होता है वो रहता है, और फिर कौन सा चम्मच और कौन सी छुरी, हम तो बस हाथ से ऐसे हाथ मारते और खा लेते थे। जी हाँ, आई हैव अ बेबी बॉय नाउ जो 3 महीने का हो गया है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि इस बार जब मेरी बर्थडे पर उठा तो मैं अकेला नहीं था, मेरी वाइफ नहीं थी, बट वी वर 3 ऑफ अस एंड इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि सुबह उठकर उसका फेस देखना और ये अनुभूति करना कि एक नन्ही सी जान हमारे साथ है जो उठकर आपको देखकर हंसती है, बहुत ही शानदार फीलिंग है। एंड या सो इट्स अ स्पेशल डे। बर्थडे सेलिब्रेशन मुझे तो नहीं पता कि क्या बदलाव आता है, मैं तो अभी भी केक देखकर आक्रमण ही करता हूँ, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता हूँ क्योंकि सेलिब्रिटी और नॉन सेलिब्रिटी की बात नहीं है, बट अभी आई थिंक मुझे लगता है थोड़े ऐसे बड़े हुए हैं जहाँ पर सोच समझ कर करना होता है। बट यही है कि दोस्त वही है मेरे जो 25 साल पहले जो दोस्त थे वही दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, वही उन्हीं दोस्तों के साथ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और उसके अलावा इंडस्ट्री में आने के बाद जो भी नए दोस्त बने वो सारे आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके दोस्त अगर आपको इतना प्यार करते हैं तो। जी
जी कमेंट्स और रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। काफ़ी सारे फैंस ने लिखा जिन्होंने देखी उनको स्टोरी कहानी भी बहुत पसंद आई और मेरा किरदार जो है वो भी पसंद आया बेसिकली। और नेक्स्ट ये ही है कि पॉइजन 2 बन रही है और उसमें सब जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे मेरे दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो वक्त आने पर मैं आपके सामने अनाउंस कर पाऊँगा। विश मांगना यही चाहूँगा कि मैं जैसे काम करता हूँ मैं उससे दुगना तिगना चौगुना पांच गुना ज़्यादा काम करूँ, बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ करता रहूँ और बड़े स्टार्स के साथ भी काम करता रहूँ और बस जहाँ तक जब तक है जान बस एंटरटेन करना है लोगों को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग फर्स्टली। थैंक यू सो मच।